स्पीकर हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुहर्रम में लोगों को छूट दो, ठीक है। लेकिन जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हो और वर्षों के बाद, सालों, शतियों के बाद जब राम का भव्य मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा हो और भारत के प्रधानमंत्री वहां शिलान्यास कर रहे हो, तो बंगाल में कर्फ्यू लगा दो। ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? इसको चलने देना है क्या? क्या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो फिर बंगाल में कर्फ्यू क्यों? अब आवश्यकता इस बात की है कि टीएमसी को चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना, यह हमारा काम है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए।